हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिरके वाली प्याज। सिरके वाली प्याज कैसे बनाते हैं, जो हम एक दिन के बाद ही खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, और किस तरीके से हमें सिरके वाली प्याज बनानी चाहिए, तो मैं आपके साथ पूरा तरीका शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं इन प्याज को छील लूँगी और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने काट लिया है। और काटने के बाद इन प्याज को हमें धोना नहीं है, क्योंकि धोने से इनमें पानी चला जाता है, तो इसलिए वो ठीक नहीं रहेगा। और हमें इन्हें छीलने के बाद कपड़े की मदद से पोंछ लेना है, और उसके बाद इन्हें हमें कांटे से थोड़ा थोड़े इसमें हम छेद करेंगे। देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे इसमें ऐसे, जिससे कि सिरका हमारा बहुत जल्दी ही इनके अंदर चला जाएगा और ये शाम तक ही 4-5 घंटे के बाद खाने लायक हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए इस तरीके से हम इनको थोड़ा थोड़ा इनमें सभी प्याज में छेद कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। दाल, आलू की सब्ज़ी, किसी से भी, जो रोटी के साथ जो भी सब्ज़ी हम बनाते हैं, इन प्याज से बड़ा ही स्वाद बढ़ जाता है खाने का, और ये हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। खाना भी बहुत जल्दी पचता है अगर हम गर्मियों में या सर्दियों में सिरके का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे, देखिए फ्रेंड्स, अब ये सिरका लिया है हमने। सिरका आप वाइट भी ले सकते हैं और ब्लैक भी ले सकते हैं। ये देसी सिरका है जो घर में बनाया जाता है, गन्ने के रस से जो बनाते हैं। विलेजेज में सब ऐसे ही सिरका बनाते हैं जो गन्ने के रस से बनता है। देखिए अब मैं इसमें सिरका छान लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सिरका छानने के बाद हमें एक एक करके अपना प्याज इसमें डाल देना है। सभी प्याज थोड़े डूबे होने चाहिए। देखिए इस तरीके से हम अपने प्याज डाल देंगे और इसके बाद इसमें हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। जैसे इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च और उसके बाद हम इसे शाम तक के लिए 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे और ये प्याज हमारी 3-4 घंटे के बाद ही खाने वाली हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज आपको मेरी वीडियो और कैसा। देखिए फ्रेंड्स, 3-4 घंटे रखने के बाद प्याज जो है हमारी खाने लायक हो गई है। तो इसी तरह से हम ये सिरके में जो प्याज हैं वो 3-4 घंटे के लिए इसमें रख देते हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज आपको मेरी वीडियो और कैसा लगा सिरके में प्याज बनाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।